स्कूल और कॉलेज से जो हमें सेक्स एजुकेशन नहीं मिलता वो हम मूवीज और वेब सीरीज में ढूंढते हैं। क्यों ना हमारा कीमती टाइम ऐसी वेब सीरीज को दे जो सिर्फ फिजिकली सेटिस्फाई नहीं लेकिन मेंटली मैच्योर करे। इसको शॉर्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट से जानेंगे, क्या मेरा कीमती टाइम ये डिजर्व करती है या नहीं। तो अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 5 वेब सीरीज यू शुड वॉच अलोन। आई नीड टू ड्रिंक दिस स्ट्रेट फ्रॉम द टैप। एक ऐसा रोमांस का थ्रीसम जो अजीबोगरीब सिचुएशन क्रिएट करता है। Let's have a bit of fun. हमने हमेशा हस्बैंड वाइफ और तीसरा पर्सन जब एंटर करता है तो प्रॉब्लम ही होती है, ऐसा ही देखा है। If you feel like I do right now. लेकिन इस वेब सीरीज में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हस्बैंड और वाइफ के सैड सेक्सुअल रिलेशनशिप में इजी की एंट्री होती है वो आग फिर से लाने के लिए, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव पॉइंट के साथ 5 सीजंस यू मी हर। सीरीज परफेक्ट बिंज वॉच है क्योंकि ये आपको फील गुड का एक्सपीरियंस देती है। कपल्स के बीच में जब एक टाइम के बाद फिजिकल रिलेशनशिप एकदम ना के बराबर हो जाते हैं उस टॉपिक पर सीरीज एकदम डीप घुसती है। जो इजी है वो हस्बैंड को भी पसंद है और वाइफ को भी। अब ये जो थ्रीसम का रोमांस है ये देखने में बहुत ही अजीब लगता है। शुरुआत में आप बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाते हो लेकिन धीरे धीरे करके आपको सीरीज अपने अंदर खींच लेती है। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल 30 मिनट्स ईच एपिसोड, बहुत ही अच्छी एक्टिंग और स्लो स्टोरी टेलिंग से सीरीज रिलेशनशिप के ऊपर कोई सेमिनार से कम नहीं है। 3 प्रोस्टिट्यूट्स अपने माफिया बॉस का हाफ मर्डर करके भाग निकलती है। लेकिन जो ये फ्रीडम है ना ये इतना सस्ता नहीं है, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ एडल्ट सीन्स तो इतने ब्रूटल है आप खुद शर्मा के आंखें बंद कर लो। हाल ही में इसका सेकंड सीजन रिलीज हुआ है, 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2 सीजन स्काई रोजो। नेगेटिव्स की अगर बात करें तो सीरीज के अंदर बैक स्टोरी थोड़ा ज्यादा खींच ली है लेकिन सीरीज की वो मैडमैक्स की तरह सिनेमेटोग्राफी, लाइटिंग्स, कैमरा वर्क ये सब कुछ आपको बहुत इंप्रेस करेगी। सीरीज में बहुत ही ज्यादा ब्रूटल वॉयलेंस सेक्स ये सब आपको मजबूर कर देगी एक ही बार में पूरा सीजन खत्म करने के लिए। और हर एपिसोड सिर्फ 20 से 30 मिनट्स ईच। सबसे हाईलाइट पार्ट है सीरीज का एक्शन सीन। आपको ज्यादा वेट नहीं कराएगी सीरीज, फर्स्ट एपिसोड के एक्शन से ही आप समझ जाओगे कि आगे और इन तीनों के साथ कितना बुरा होने वाला है। सोसाइटी का प्रोस्टिट्यूशन की तरफ देखने का नजरिया इन सबके ऊपर सीरीज बहुत अच्छी तरह से कटाक्ष करती है। अकली वेब सीरीज इतनी कंट्रोवर्शियल है, कई फीमेल्स के रिव्यू आप देख सकते हो ऑनलाइन, इंटेंशनली सीरीज की रेटिंग गिराई है। वेल सीरीज ने एक्चुअली ऐसे टॉपिक को छेड़ दिया जो हमारे सोसाइटी में टैबू है। सीरीज में मेन लीड पैसों के लिए अमीर लोगों के साथ सोती है। अब देखने वाले का नजरिया कैसा है उस पर डिपेंड करता है क्या ये सीरीज अच्छी है या बुरी। बहुत ही कंट्रोवर्शियल सीरीज, 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 3 सीजंस द गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस। देखो सीरीज देखने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, कहानी क्रिस्टीन की है, दुनिया की हर लड़की क्रिस्टीन होती है ऐसा सीरीज का कहना नहीं है। नो डाउट सीरीज ने कुछ गलत चीजों को ग्लोरीफाई जरूर किया है लेकिन ये डायरेक्टर का फ्रीडम है वो क्रिस्टीन की कहानी किस तरह से दिखाना चाहता है। हर एक एपिसोड भले ही 30 मिनट छोटे है लेकिन अगर आप न्यूडिटी, बहुत ज्यादा भर भर के सेक्स ये सब एक्सपेक्टेशन से जाओगे तो डिसअपॉइंट जरूर होगे। सीरीज का कैरेक्टर बिल्डअप शायद आपको बोर लगे लेकिन इन सब के बावजूद सीरीज में इतना तो इम्पैक्ट है, वो क्रिस्टीन की लाइफ में इतना इन्वॉल्व करा देगी उसके बाद क्या सही क्या गलत कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। नंबर 2 की सीरीज 21st सेंचुरी का कामा सूत्रा है। मैरिड कपल के, लेस्बियंस, यंग कपल सब के लिए एक सेक्स का एजुकेशन समझ लो आप। हर एक रिलेशनशिप के कॉम्प्लिकेटेड सेक्सुअल सिचुएशन को इस सीरीज ने बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया है। कॉमेडी एंटोलॉजी 3 सीजन के साथ इजी। हर एक एपिसोड का सिचुएशन इतना ज्यादा रिलेट होगा खुद को, आपको लगने लगेगा कि ये मेरे लाइफ पे तो नहीं वेब सीरीज बना रहे। सेक्स कितना ज्यादा इजी और सिंपल है लेकिन ह्यूमंस ने उसे इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। ऐसे कई सारे खुलासे सेक्स के रिलेटेड, ये देखकर आपका सेक्स एजुकेशन एक और लेवल ऊपर चला जाएगा। सीरीज में कैरेक्टर्स के कन्वर्सेशंस बहुत ज्यादा, आपको ऐसा फील होगा कोई डे टू डे लाइफ चल रही है जिसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक या ओवर ड्रामेटिक करके चीजें नहीं दिखाई। इंटेंशनल से ज्यादा सिचुएशनल कॉमेडी है सीरीज। आपसे बस रिक्वेस्ट है ऐसी सीरीज को दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए क्योंकि हाई टाइम आ चुका है जब हम 18+ कंटेंट को पोर्नोग्राफी की तरह नहीं लेकिन मैच्योरिटी के साथ देखें। नंबर 1 की सीरीज भाई साहब 1 आवर लंबे एपिसोड लेकिन 1 मिनट बोर नहीं किया है पूरे सीजन। एक बेवड़ा बाप, उसके 6 बच्चे, लाइफ में हर दिन कितने भी प्रॉब्लम्स हो, जिस एटीट्यूड के साथ ये सभी रहते हैं गरीबी में, हर एक कैरेक्टर से आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो, इतना पावर है सीरीज में, वो देख के आप अंदर से चार्ज अप हो जाते हो।
आपके दिमाग में सेक्स को लेकर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जब आप ये इनकी लाइफ में देखते हो वो सब कुछ दूर हो जाता है। क्या सही क्या गलत के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहता। बस एक वार्निंग देना चाहूंगा, सारे काम खत्म करके ही इसे शुरू करना। Amazon Prime पर 11 सीजन के साथ कॉमेडी ड्रामा शेमलेस। अगर आपका टाइम कीमती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट की ही जगह है, तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझसे भी 1000 गुना ज्यादा अच्छे रिकमेंडेशन आपको हमारे कमेंट सेशन में मिल जाएंगे। कंप्लीट वॉच अलोन वेब सीरीज की लिस्ट आपको हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।